तो उसके लिए हम देखिए एक कटोरी चावल लेंगे, देखिए चना दाल लेंगे, दाल लिया हुआ है। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, चावल और दाल को अच्छे से धो ली हूँ, 3-4 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी, अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी में। हमारी दाल कितने अच्छे से 4 घंटे हमने रखा था भिजा के, तो बहुत अच्छे से इस तरह से आपका दाल टूट रही है, देखिए फूल चुकी है, के पीस लेते हैं। एक हरी मिर्च डाल रही हूँ कटी हुई, और ये थोड़ा सा मैंने अदरक लिया ये डाल दूँगी। अब यहीं पे हम थोड़ा सा इसमें जो है पानी डाल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे। देखिए डुस्की के साथ खाई जाने वाली सब्जी बनाएंगे, थोड़ा तेल डालेंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, तब हम प्याज डाल देंगे, जीरा लगा के हरी मिर्च डाल का पेस्ट डाल दूँगी, इसमें टमाटर डाल दूँ डाल देंगे थोड़ा सा, अब देखिए हम इसमें धनिया पाउडर डाल, लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी मसाला पाउडर, चुटकी भर पाउडर डाल मसाला भून लें। अब देखिए मैं इसमें ये कटा हुआ आलू डालें, ज़्यादा आलू छोटे छोटे ना काटें, बड़े बड़े पीसों में काटें और एक ही आलू डालें। अब हम पानी डाल देंगे, उसका बनाने के लिए हमने तेल डाल दिया कढ़ाई में, और हमारा तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि राई का तेल है। हमारा बैटर भी 3 घंटे से हमने पीस के रखा हुआ था तो अच्छे से रेडी हो चुका है। नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, हम इसमें जीरा डाल देंगे, और ये देखिए हींग रखा है, हींग डालेंगे, हींग डाल दूँगी, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना आपने। क्या हमने थोड़ा सा बैटर डाला तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम उसका बनाएंगे। थोड़ा सा बैटर लेंगे इस तरह, हमारी आलू की सब्जी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आज हमने आपको बना के दिखाया झारखंड का डुस्का, और ये हमने डुस्के बनाए और उसकी रेसिपी हमने डाली थी और उसके साथ आलू की सब्ज़ी, तो आप भी बनाएं, मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।